हमारा हृदय यदि वही प्रभु है, श्याम सुंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें लगता छोड़ देना चाहिए, जाओ निहाल हो जाओ, डुबकी लगा लो। हम थोड़ी कर रहे हैं, आप घसीट रहे हैं, कृष्ण आकर्षण कर रहा है, वो घसीट रहा है, किशोरी जो आकर्षित कर रही है। अगर उसमें लगता है नहीं नहीं मेरी गुरु निष्ठा, तुमने पहले उत्तर दिया, अपनी गुरु निष्ठा को संभालिए। और अगर ऐसा लगता है तो फिर देखो, एक जब ब्रजवासी का ब्याह हो के तो माताएं अपनी नई बेटी जो बहू बनती उसको समझाती है, बेटी तुम ब्रज में जा रही हो, पातिव्रत धर्म रहना बहुत कठिन है, वहां सुना एक नंद का लाला है और जो उसकी आंख में आंख मिला देता है वो उसी का हो जाता है, कभी तुम उसको अपना मुख मत दिखाना और कभी उसका मुख मत देखना। माता ने ऐसा पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, जब देखा कि ब्रज का ग्वाला नई गोपी लाया है तो कहा ये अपनी बहू से कहे कि मुख दिखाए, और चढ़ गए रथ पे। अब बहू को याद आया कि माँ ने कहा था कि मुख न दिखाना और न देखना, नहीं पातिव्रत धर्म नहीं रह पाएगा। अपने पति से जो प्रेम है वो ऐसा कि उत्तम के बस अस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, तो पातिव्रत धर्म का उत्तम लक्षण तो यही, वो मुंह नहीं खोले। लालजू से सखाओ ने कहा कन्हैया तू भी बावरा है यार, इसको मुंह दिखाई तो कुछ दे। ठाकुर जी ने हारू फिर भी मुंह नहीं। ठाकुर जी रथ से उतरे और कहा आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो तुम मुख नहीं दिखा रहे हो, कल आप प्रार्थना करोगी, रोगी हमारे लिए, ब्रज क्षेत्र है। जब ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा रुकवा दी और सबकी रक्षा के लिए गिरिराज धारण किया, तो सब त्राहिमाम बोलकर भाग कर आ रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में। अब उस नौ वधु को उस समय प्राणों पर पड़ी हुई थी, वो शिक्षा माता की विस्मृत हो गई, भागी हुई आई और जब देखा 7 वर्ष के लालजू महाराज गिरिराज, वो सौंदर्य माधुर्य जो बड़े बड़े मुनियों के हृदय में क्षोभ पैदा कर दे, जिनकी रूप माधुरी का श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी परमहंस आशक्त चित्त होकर 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, वो रूप माधुरी ठाकुर जी। जे ही रूप माधुरी देखी तो कहा माँ तूने इतने दिनों तक मेरा बड़ा अमंगल किया, अमंगल किया, तूने साधारण धर्म की शिक्षा देकर परम धर्म से विमुख कर दिया। मूर्छित हो गए, 7 दिन नेत्र नहीं खुले, नेत्र खुले तो अपने घर में, फिर उसका जब प्राण छूटा तो वही गोपी मीरा बनी, और वही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई ना कोई संबंध ना कोई रिश्ता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, वही फिर भगवान में तन्मय हो गई। तो ये क्षेत्र ऐसा है, रसखान जी कहते भाई हम तुमसे प्रार्थना करते मत जाना ब्रज में, क्यों बोले वो नंगा बदन खड़ा है पर बहुत बड़ा चोर है, वो चित्त को चुरा लेता है। रसखान जी बड़े बड़े महापुरुषों ने, तो देखो अगर हमसे मित्रता करोगे चर्चा करोगे, हम खुद चुरा लिए गए, खुद चुरा लिए गए काशी के घाटों में वास करने वाले, और देखो तो अब हमें लगता है अगर हमारा संग करोगे तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे मन को जरूर चुरा लेंगे, तो अब राधा राधा तो बोलना ही पड़ेगा। तो आपको लगेगा हमारा धर्म छूट रहा है, पातिव्रत धर्म हमारा, तो हमें लगता है ये क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि हमारे स्वामी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। देखो भगवान शिव अपने नेत्रों से गंगा जी को रोक सकते थे, वहीं रुक जाती गंगा जी, अपार सामर्थ्यशाली, लेकिन जटाएं खोल दी, जटा कटा संभ्रमम भ्रमन निलंप निर्झरी, जटा रूपी कटा हमें भ्रमित होकर गंगा जी ने बांध लिया। गंगा जी जटा में क्यों बांधा, क्योंकि भगवान का चरणोदक है इसलिए उन्होंने बांध दिया। नेत्र से रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, जो हलाहल चेहर को गले में रोक सकते वो गंगा जी को कहीं भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने माथा खोल दिया। आप विचार करो जितने बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हैं वो सब भगवान के चरणों में, हाँ धेयम सदा परिभवंगनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नूतम शरण्यम। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो महाप्रेम में है, एक बार जिसकी तरफ वो मधुसूदन सरस्वती जी
ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त महापुरुष, और एक झलक आई तो आखिरी में बोल पड़े कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम् न जाने, कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है? अच्छा अभी तो कृष्ण ही तत्व को देखा, कृष्ण के हृदय का तत्व राधा किशोरी, जिनकी मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए वो श्री कृष्ण है, कोटि मनमथ मनमथा, और जिनकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से महाराज व्यथित हो जाए वो हमारी लाड़ली जो है। हले हा वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। बोले बंसी गिर रही है, मोर मुकुट खिसक रहा है, पीताम्बर भी गिर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? बोले मूर्छित हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले श्री जी की कटाक्ष ने इनको बेध दिया, भ्रकुट काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनि, उसका प्रताप ये हुआ कि कोट मनमथ हारी श्री लालजू महाराज व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन, ऐसी मैं श्री जी की सेविका हूं और उनकी सेवा में उपस्थित रहती हूं। तो अब ये क्षेत्र तो महाप्रेम का है, तो अगर इस क्षेत्र की चर्चा कोई भी सुनेगा तो रंग तो आएगा, जो सुना जाता है उसका रंग चढ़ता है नहीं चढ़ता है? अब रंग चढ़ेगा तो फिर अपने अपने जहां हो उस धर्म से आपको इस रंग में आना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो हमें लगता है कि अगर बच के रहना है तो सत्संग की वही बातें पकड़ो जो तुम्हारी गुरु निष्ठा पुष्ट करे, और सत्संग के अगर प्रेम रस की बात पकड़ोगे तो आ ही जाएंगे। अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने अपने मार्गों को छोड़कर वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे, ये वो देश है जो सर्व त्याग करा करके प्रेम रंग में रंग देता है। तो हमें लगता है त्रुटि लगे तो निष्ठा पूर्ण करो, और कृपा लगे तो राधा राधा जी को देख लो जी।